हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए हम लोग जीकेजीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अभी देख रहे हैं और इसमें से 11 सेट को हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग 12वें सेट को कंटिन्यू करेंगे। जो लोग चैनल पर नए होंगे, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर देना है और जाके 11 तक आप लोग पहले सेट देख लें, उसके बाद 12 को कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस विमान वाहक जहाज को औपचारिक रूप से वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय सेना में शामिल किया गया था? INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत है, INS विराट है, ठीक है, INS चरखा है, तो चक्र है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, INS विक्रमादित्य को शामिल किया गया था। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद अली जीना को, अब्दुल कलाम आजाद को, खान अबुल गफार खान को, या खान अब्दुल वली अली को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफार खान को बादशाह खान भी कहा जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था, बताइए? भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना था, बताना है, ठीक है। तो देखिए, ये था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? 1979 में, 1981 में, 1975 में, या 1965 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी और इसके सीईओ हैं और फाउंडर बिल गेट्स हैं। नेक्स्ट है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, बताना है? सेंट्रीपिटल यानी केंद्राभिमुख फोर्स होता है, अपकेंद्रीय बल होता है, घर्षण बल होता है, या टेंशन फोर्स होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपकेंद्र बल के थ्रू हम लोग बाहर की ओर मुड़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? 1895 से 1900 ईस्वी, 1901 से 1909 के बीच में, 1921 से 1927 के बीच में, या 1931 से 1935 के बीच में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1921 से 1927 के बीच में। बड़े पैमाने पर केसर यानी जिसको सेफ्रॉन कहा जाता है का उत्पादन कहाँ किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में, या केरल में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबको पता ही होगा, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन किया जाता है। अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? अफगानिस्तान इस्लामी राज, अफगानिस्तान इस्लामी गणराज, अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात, या अफगानिस्तान इस्लामी सरकार? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना, नर्सरी स्कूल में दाखिले को व्यवस्थित बनाना, नर्सरी स्कूलों को विनिमयों के तहत लाना, या बच्चों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता को पैदा करना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना ही इसका, इससे नर्सरी स्कूल योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट है, पीला बुखार जिसको येलो फीवर कहते हैं या पित्त ज्वर कहा जाता है, मुख्य रूप से इंसानों के बीच कैसे फैलता है? मादा मच्छर के काटने से, नर मच्छर के काटने से, पानी से होता है, या वायु से होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये मादा मच्छर के काटने से होता है। जब दूध खट्टा होता है तो डैश का उत्पादन होता है, लैक्टोज का, लैक्टिक एसिड का, सैलिसिलिक एसिड का होता है, या लीनो एसिड का होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड बनता है तभी वो दूध खट्टा हो जाता है, और जब तक किसी में एसिड का मात्रा नहीं होगा तब तक वो चीज़ खट्टा नहीं होता है। नेक्स्ट है, आईपी के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है, बताना है? सबनेट कहा जाता है, ऑक्टेट कहा जाता है, सबसेट कहा जाता है, या आईपी सेट कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको ऑक्टेट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री डैश के पादेन अध्यक्ष हैं, बताइए कौन है? CLRI है, CSIR है, ISRO है, या DRDO है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CSIR, जिसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट है, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है?
जनसभा है, भूख हड़ताल है, प्राचीन मूर्तियां हैं या खगोलीय वैधशाला है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खगोलीय वैधशाला, जंतर मंतर का जो ऐतिहासिक दृष्टि है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यांकी स्टेडियम कहाँ स्थित है, बोस्टन में है, न्यूयॉर्क में है, लॉस वेगस में है या वाशिंगटन में है। तो ये जो है ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल ग्रह को डैश के रूप से भी जाना जाता है, सुबह का तारा, शाम का तारा, लाल ग्रह या नीला ग्रह। ठीक है, तो देखिए नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं, और सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, ठीक है, वीनस को कहा जाता है, जिसको हम लोग शुक्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम बताएं, दिव्या अजीत, अर्चना रामासुंदरम, पुनीता अरोड़ा या अश्वनी पवार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अर्चना रामासुंदरम। वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल डैश किया जा सकता है, पेयजल के कीटनाशोधन के लिए, कीटनाशोधन पकाने के लिए, कठोर जल को नरम करने के लिए, या एक गैर जहरीले घटक के रूप में घरेलू देखभाल परक उत्पाद के तौर पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कठोर जल को नरम करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंध नहीं है, यहाँ पे जी है, स्क्रीन है, ठीक है, कलर्स है, सोनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए जी हो गया, कलर्स हो गया और सोनी हो गई, ये तीनों टीवी चैनल है, ये कोई टीवी चैनल नहीं है। नेक्स्ट है हर्नीबॉल त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है ये नागालैंड का एक त्यौहार होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है, राजस्व प्राप्तियों की कुल राशि से, पूंजीगत प्राप्तियों की कुल राशि से, वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है, या अनुमानित सरकारी व्यय की कुल राशि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है। मुस्कुराते बुद्ध, स्माइलिंग बुद्ध, ठीक है, किसके लिए कोड नाम था, किसका कोड नाम था बताना है। 2013 के उत्तराखंड में बादल फटने के बाद राहत एवं बचाव अभियान का, ठीक है, 2015 में नेपाल के में भूकंप के बाद राहत और बचाव अभियान का, भारत द्वारा 1998 में किए गए पोखरण जो दूसरा परमाणु परीक्षण था उसका, या 1974 में किया गया था पोखरण परीक्षा पहला, ठीक है, परमाणु परीक्षण जो किया गया था उसका ये कोड नाम था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था उसका ये कोड नाम था। मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित है, एक से अधिक उपयोगकर्ता, एक से अधिक प्रक्रिया, एक से अधिक हार्डवेयर या एक से अधिक आईपी एड्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, एक समय में एक से ज्यादा टास्क करना, यानी एक से ज्यादा प्रक्रिया करना, एक से ज्यादा प्रोसेस को कंटिन्यू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के लिए यातायात की विषम सम योजना का हाल ही में किया गया पूर्व परीक्षण, ठीक है, किस पर आधारित है, विषम सम कैलेंडर माह पर, विषम सम कैलेंडर तिथियां पर, वाहन पंजीकरण संख्या पर, या सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे के दौरान विषम सम घंटे पर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाहन पंजीकरण संख्या पर। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है, अधिवृक्क है, जिगर है, पिट्यूटरी है या पित्ताशय है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पित्ताशय, जिसको गोल ब्लैडर कहा जाता है। ये कोई ग्रंथि नहीं होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बॉयल जूस जो होता है स्टोर किया जाता है। अधिवृक्क होता है, जिगर होता है, पीयूष ये ग्रंथि होता है। नेक्स्ट है अल्पता, रक्त अल्पता जो होता है एनीमिया की, जिसको एनीमिया कहा जाता है, स्थिति किसकी वजह से होती है। देखिए जब आरबीसी की कमी हो जाती है शरीर में, ठीक है, तो रक्त की अल्पता हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, उसको एनीमिया कहा जाता है, एनीमिया इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत स्टेज उत्सर्जन मानक, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड किससे संबंधित करता है बताइए, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को, औद्योगिक प्रदूषण को, जल प्रदूषण को या मिट्टी प्रदूषण को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को ये इंगित करता है। नेक्स्ट है संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को,
या सॉरी 22 अगस्त 1947 को, 22 जनवरी 1948 को, या 22 अक्टूबर 1947 को। इसका करेक्ट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। नेक्स्ट है, फायरवॉल किससे विषम कथन है पता लगाना है, किस संबंध में विषम है। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, फायरवॉल एक हार्डवेयर हो सकता है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजन हो सकता है, या फायरवॉल आग से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजन हो सकता है। ठीक है, इसमें से जो विषम है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में कुश्ती के लिए अर्जुन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था। ठीक है, बबीता कुमारी को, अभिलाषा शशिकांत को, या युमनम सनाथोई देवी को, या एम आर पुअम्मा को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बबीता कुमारी। 2015 में अंटार्कटिका की स्थापित नवीनतम रिसर्च बेस का नाम क्या था, दक्षिण गंगोत्री था, मैत्री था, भारती था, या लोटस था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारती था। नेक्स्ट है, बिजली की मीटर डैश को रूपांतरित करती है, बताइए। बिजली की जो मोटर होती है, मीटर नहीं मोटर जो होती है, वो क्या करेगी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करेगी, सबको पता ही होगा। सॉरी, यांत्रिक बिजली का मोटर है ना, तो मोटर जब चलाते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए पानी हम लोग निकालने के लिए जब मोटर चला रहे हैं तो बिजली से चल रहा है, और वो क्या, वो उसका काम क्या है, बस उसको घुमाना उसका जो रहता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसरो के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, कस्तूरी रंगन थे, विक्रम साराभाई थे, होमी के भाभा थे, या सीवी रमन थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विक्रम साराभाई। नेक्स्ट है, 2015 में पुरुष एकल टेनिस के अधिनियम अधिकतम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किसने जीता था, एंडी मरे ने जीता था, नवा जोकोविच के द्वारा जीता हुआ था, रोजर फेडरर ने, या अस्तानी स्लान वावरिका के द्वारा जीता गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवाक जोकोविच। सैयद मोहम्मद इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप हर साल डैश में आयोजित की जाती है, चंडीगढ़ में, लखनऊ में, दिल्ली में, या हैदराबाद में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लखनऊ में। नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, क्या चीज जुड़ा हुआ है बताइए, जिगर जुड़ा हुआ है, फेफड़ा जुड़ा हुआ है, गुर्दा जुड़ा हुआ है, या गृहिणी जुड़ा हुआ है। तो देखिए, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है किडनी से रिलेटेड अध्ययन, यानी गुर्दे का अध्ययन को, किडनी को, ठीक है। नेफ्रॉन होता है जो किडनी का कार्यात्मक इकाई, उसी चीज से रिलेटेड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है, नींबू पानी है, ठीक है, आहार्य सोडा है, लवण का घोल है, या सिरका है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नींबू पानी। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं, गगन नारंग जो हैं सबको पता होगा कि वो एक एयर राइफल शूटिंग से संबंधित है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कमिश्नर के उनके पद से कौन हटा सकता है, संसद के दोनों सदन हटा सकते हैं, केंद्रीय मंत्री परिषद के द्वारा हटा सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति हटा सकते हैं, या भारत के मुख्य न्यायाधीश हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये संसद के दोनों सदन के द्वारा हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, विषम ज्ञात करना है, दो पंक्तियां एक दूसरे पर, ठीक है, लंबवत होती है यदि वे एक आयत की आसन भुजाएं हो, एक समचतुर्भुज के विकर्ण, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा हो, या एक वर्ग और आसन भुजाएं हो। इसका करेक्ट आंसर रहेगा एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर जिसको ईस्ट बोला जाता है, ठीक है, ईस्ट कहा जाता है उसको, खमीर का यूज क्या है, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता है, इसे स्वादिष्ट बनाता है, या संरक्षण प्रिजर्वेटिव जिसको कहते हैं के रूप में काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसको ब्रेड बनाने में किण्वन का इसीलिए किया जाए क्योंकि ये उत्प्रेरक रहता है, ठीक है, एक तरह का। हाल ही में पता चला हिमालय फॉरेस्ट थ्रस्ट नामक पक्षियों का प्रजाति डैश में पाया गया था, देहरादून में, उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तराखंड में, या लद्दाख में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत में पाया गया था। नेक्स्ट है, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन को, जॉन ग्रेगर मेंडल को कहते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कहता है, या ऑटो हॉर्न को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, जॉन ग्रेगर मेंडल को आधुनिक अनुवांशिक का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। नेक्स्ट है, विषम चुनना है, साइलेंट वैली है, सिलिकॉन वैली है, इंडस वैली है, या दामोदर वैली है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है बताना है,
कोडरेड है, मलीसा है, क्रिप्टो लॉकर है या डॉक्टर वेव है। ठीक है, कौन सा इसमें से बताना है एक कंप्यूटर में यूज किया जाने वाला एंटीवायरस है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक ये जो है डॉक्टर वेव है ये एंटीवायरस है, बाकी ये तीनों एंटीवायरस का टाइप नहीं है। लुई पाश्चर को किसे खोज के लिए जाना जाता है, पोलियो का टीका, चेचक का टीका, चेचक का टीका के लिए जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स इसको बोला जाता है, रेबीज का टीका के लिए जाना जाता है लुई पाश्चर को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, रेबीज का टीका के लिए लुई पाश्चर को जाना जाता है। ठीक है, रेबीज का जो इंजेक्शन का खोज किया था वो लुई पाश्चर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है। ठीक है, सेंट्रिपिटल फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, यानी अपकेंद्रीय या अभिकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है या घर्षण बल है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा सेंट्रिपिटल फोर्स, यानी जिसका अभिकेंद्र बल कहते हैं, यही इसी के कारण लट्टू घूमता है। भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर दिखाई देने वाला भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, के मुद्रण के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, इंटाग्लियो प्रिंटिंग का, माइक्रो लेटरिंग का, या लेटेंट प्रिंटिंग का किया जाता है, या स्क्रीन प्रिंटिंग का किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटाग्लियो प्रिंटिंग का यूज किया जाता है। मैक ओएस जो होता है किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबको पता ही होगा मैक एप्पल के द्वारा बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे, GPS अक्सर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ग्लोबल, इसका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका अर्थ होता है, इसके संदर्भ में क्या चीज सत्य नहीं है ये बताना है। यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है, बिल्कुल सही, यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है, ये यहीं पे गलत हो गया, बाकी ये सारा सही हो सकता है। वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या कार के नेविगेशन के लिए भी तैयार इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है बायोगैस का प्रमुख जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, जो प्रमुख जो घटक होता है बायोगैस का मीथेन होता है, इसका डिस्कशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी, 1944 में, 45 में, 46 में या 47 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 46 में ये सहमत हुई थी और 47 में ये लोग देश छोड़ के चले गए थे। नेक्स्ट है अगर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए, किसी कारणवश मान लीजिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों वैकेंट हो गए यहाँ पे, तो उनके पद पे, राष्ट्रपति के पद पे कौन कार्यरत रहता है, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के न्यायाधीश या केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है वो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, वही उसके पद पे, राष्ट्रपति के पद पे वो अपना काम करेंगे। निम्नलिखित में से कौन बाकी तीन से अलग है, पालक है, मसूर की दाल है, धनिया पत्ता है या सलाद पत्ता है। ठीक है, तो यहाँ से देखने में पता चल रहा है मसूर की दाल जो है ये तो दाल हो गई, ये पल्सेस हो गया, ये सब पत्ता हो गया हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है, SSS, PPP, POP, देखिए यहाँ पे जो है HTML जो होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसके थ्रू हम लोग बनाते हैं वेब पेज को, डिजाइन किया जाता है वेबसाइट वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है, वेब पेज डिजाइन किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, तो ये इसका एक, ये एक प्रोटोकॉल नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मंजूरी प्राप्त लीगो भारत परियोजना किससे संबंधित है, सौर ऊर्जा के उपयोग पर अनुसंधान से, लेजर तकनीकों पर अनुसंधान से, गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान से, या शेरों के स्थानांतरण पर अनुसंधान से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान से। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा डैश के द्वारा कराया गया है, जयपुर के जयसिंह प्रथम के द्वारा, जयपुर के जयसिंह द्वितीय के द्वारा, राम सिंह प्रथम के द्वारा या बिशन सिंह के द्वारा कराया गया है। तो राजपुर के जो थे राजा जयसिंह द्वितीय थे, इनके द्वारा ये कराया गया था। बंगाल में आयोजित अंडर 19 विश्व कप 2016 के लिए कोच कौन थे बताना है, राहुल द्रविड़ थे, वीरेंद्र सहवाग थे, सौरभ गांगुली थे या अनिल कुंबले थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल द्रविड़ थे इसके अंडर 19 के कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है, सशस्त्र सीमा बल है, सीमा सुरक्षा बल है, रेलवे सुरक्षा बल है या भारत तिब्बत सीमा पुलिस है बल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल, इसके अंदर नहीं आता है।
2015 में बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार के किसे से किसे सम्मानित किया गया था बताइए, बैडमिंटन के लिए कदम्बी श्रीकांत को, साइना नेहवाल को, चेतन आनंद को या रोहित शर्मा को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कदम्बी श्रीकांत को। शब्दों में चार युग्म दिए गए हैं, विषम का पता लगाना है। शनि ग्रह, सूर्य तारा, मिल्की वे तारामंडल, टाइटन जो है उपग्रह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मिल्की वे एक तारामंडल ये नहीं है, मिल्की वे जो है एक गैलेक्सी है, ठीक है, मतलब एक क्या है, मिल्की वे तारों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाना है। राष्ट्रपति भवन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताजमहल या सूर्य मंदिर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति भवन। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य, ठीक है, कौन सा है बताना है, कारगम है, कुडियाट्टम है, यक्षगान है या कथकली है? तो तमिलनाडु का जो लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय जो लोक नृत्य है वहाँ का, वो है कारगम। नेक्स्ट है, उस देश का नाम बताएं जिसे मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है और म्यांमार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए, ये तीनों में रुपया ही चलता है, ठीक है, रुपया चलता है तीनों में। नेपाल, जैसे यहाँ नेपाली, यहाँ पाकिस्तानी, यहाँ श्रीलंका का रुपया चलता है, लेकिन म्यांमार जो है यहाँ पे रुपया नहीं चलता है। म्यांमार का रुपया को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार साल में एक बार घटने वाली कोई भी अगर घटना है तो उसको वर्णित किया जाता है बताइए, बाइनिनियल कहते हैं, द्विवार्षिक कहते हैं, चतुर्वार्षिक कहते हैं, त्रैवार्षिक कहते हैं या बहुवर्षीय कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको क्वाड्रेंटियल कहा जाता है। नेक्स्ट है, उस शतरंज चैंपियन का नाम बताएं जिसके खिलाफ विश्वनाथन आनंद ने 2014 के विश्व शतरंज चैंपियनशिप का मुकाबला हार गए थे, व्लादिमीर क्रैमनिक थे या वेसेलिन तोपालोव थे, वोरिस गेलफंड थे या मैग्नस कार्लसन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नस कार्लसन। आग को बुझाता है, सबको पता होगा अग्निशामक में यूज किया जाता है, CO2 को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवें संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव का नाम क्या है? वी गाली है, कोफी आनन है या बानकी मून है या डोजी किम योग किम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बानकी मून। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार अपने राष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से डैश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? असम है, ठीक है, जम्मू कश्मीर है, मध्य प्रदेश है या अरुणाचल प्रदेश है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। सतह से हवा में मार करने वाली, यानी एयर से, यानी पृथ्वी से एयर में मार करने वाली मिसाइल परीक्षण कहाँ किया गया था? श्रीहरिकोटा में, अब्दुल कलाम द्वीप पर, थुम्बा में या पोखरण में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप पर। नेक्स्ट है, लोसुंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है बताना है, हिमाचल प्रदेश का, सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का या त्रिपुरा का? तो ये सिक्किम का लोकप्रिय त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में डैश जोन है, कितने टोटल जोन है बताना है? तो सबको पता होगा, जितने अभी तो जितने लोग ये रेलवे का तैयारी कर रहे हैं उनको तो एटलीस्ट पता ही होगा कि टोटल 17 अभी जोन है। नेक्स्ट है, 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखिए, 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा करना या चौरा चौरी घटना का विरोध करना या ब्रिटिश सरकार के आदेशों की आंशिक अवज्ञा करना या एक सुनिश्चित करना कि सभी नागरिकों को उनके नागरिक अधिकार के द्वारा दिए जाएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा कर देना सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही उद्देश्य था। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसमें हंसने वाली गैस भी कहा जा सकता है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोक्स ऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है? तो लाफिंग गैस नाइट्रोक्स ऑक्साइड को कहा जाता है, ये एक तरह के मीथेन, ये एक तरह की ग्रीन हाउस गैस भी है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है ये भी गैस। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है डैश को प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया जाता है, 5, 6, 7 और 8। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 8, प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? जब बांग्लादेश में जो गंगा नदी जो है
वो वहाँ पे इंटर करती है तो वहाँ पे पद्मा नाम से जाना जाता है, ठीक है, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने 12वीं दक्षिण एशियाई खेलों का उद्घाटन 5 फरवरी 2016 को कहाँ किया था, लखनऊ में, गुवाहाटी में, कोलकाता में या अहमदाबाद में किया था? तो ये गुवाहाटी में किया गया था। कुष्ठ रोग जिसको लेप्रेसी कहा जाता है को डैश नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, एजाइना है, एंजाइना है या हैंसन रोग है, गौचर रोग है या हजकिंग रोग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको हैंसन रोग भी कहा जाता है। 2015 के अंत तक भारत ने अंटार्कटिका में डैश अनुसंधान स्टेशन स्थापित कर दिए हैं, कितने बताना है, कितने अनुसंधान स्टेशन स्थापित कर दिए हैं? तो टोटल इन्होंने 3 स्थापना कर चुका है वहाँ पे। एक जनरेटर डैश रूपांतरित करता है, जनरेटर जो होता है, जनरेटर का काम क्या होता है बताइए? जनरेटर का काम ही होता है, सबको पता ही होगा कि वो यांत्रिक ऊर्जा रहता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, इसलिए हम लोग जनरेटर का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बौना ग्रह के रूप में जाना जाता है, शुक्र को, बुध को, चंद्रमा को या प्लूटो ग्रह को? इसका करेक्ट आंसर होगा प्लूटो को एक किसके बौना ग्रह के रूप में जाना जाता है। और ये जो ग्रह है ये पृथ्वी से सबसे दूरस्थ था, अब ये हमारे क्या हो गया है, सोलर सिस्टम से बाहर चला गया है, तो इसको काउंट नहीं किया था हमारे ग्रह में, ठीक है। तो ये थे हमारे टोटल आज के क्वेश्चंस, उम्मीद करते हैं सबको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।